नमस्कार। महाराष्ट्र में आज बहुत बड़ा ड्रामा किया शिवसेना कांग्रेस और शरद पवार ने, और ये ड्रामा पूरी तरह फेल हो गया हयात के 5-स्टार होटल में, जहां पर 162 विधायकों का दावा किया जा रहा था, लेकिन वहां पर पहुंचे हुए थे सिर्फ 140 करीबन विधायक, जो बता रहे थे कि हम यहां पर 162 विधायक हैं, लेकिन वहां पर गिनती भी नहीं कराई गई। खाली ये मीडिया में ड्रामा फैलाया गया कि कैसे हम यहां पर 162 विधायक हैं, लेकिन उसकी हकीकत बिल्कुल दूसरी थी। वहां पर पूरे विधायक ही नहीं थे, बहुमत के आंकड़े 145 का आंकड़ा भी वहां पर मौजूद नहीं था। तो इससे बौखलाई हुई शिवसेना और शरद पवार के होश उड़ चुके हैं, और शरद पवार बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं, उनके पार्टी के नेता कुछ भी बोल रहे हैं, और यहाँ तक कि शरद पवार के जो पार्टी के नेता हैं नवाब मलिक, ये कह रहे हैं कि शरद पवार का एक इशारा होगा तो पूरी बीजेपी खाली हो जाएगी, और तोड़फोड़ की कोशिश करेंगे तो हम भी उसका जवाब देंगे। तो लगा लो कि ये कितने डरे हुए हैं और किस तरीके से ये धमकी दे रहे हैं, और अपने पार्टी विधायकों पर को तो इनको भरोसा नहीं है, अपने पार्टी के विधायकों को ये होटलों में रखते हैं, और ये शादी वर्दी में जो पुलिस वाले होते हैं उनसे डरते हैं, और बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि ये हमारे विधायकों को खरीद रहे हैं। क्या आपके पार्टी के विधायक या कैदी हैं, या वो जनता के सेवक हैं, या वो जीत के आए हैं, या तो वो आपके गुलाम हैं कि जो उनको आप धमकी दे रहे हैं। वो एक तरफ वहाँ धमकी देता है शरद पवार की, आप व्हिप का उल्लंघन नहीं करेंगे, अगर आप करेंगे तो फिर हम आपको देखेंगे किस तरीके की ये भाषा है। और यहाँ तक कि आपको बता दें कि अब्दुल सत्तार जो पहले भी बौखलाहट में कुछ बयानबाजी कर रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि जो तोड़फोड़ का प्रयास करेगा हम उसकी मुंडी तोड़ देंगे। ये है शिवसेना का जिहादी मानसिकता वाला विधायक, ये कह रहा है कि मुंडी तोड़ देंगे। तो ऐसी इसकी मुंडी तो कैसे बची रहेगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरीके का कैसा विधायक है, ये कैसे जीत के आ गया है। ये तो आतंकवादी है कि इस तरीके की भाषा बोल रहा है। खुद उनके विधायक कैद हैं, खुद उनके विधायकों को आज बाला साहब का अपमान हुआ है, बाला साहब ठाकरे का अपमान। इतना बड़ा अपमान आज तक किसी ने नहीं किया कि जो बाला साहब ठाकरे के नाम पर जीत कर आते हैं और शिवसेना पार्टी के विधायक, उनको सोनिया गांधी की शपथ दिलाई जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि इससे बड़ा काला दिन महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। ऐसा घृणित कार्य किया है उद्धव ठाकरे ने, सोनिया के आगे झुक गए, और आज उन्होंने शपथ लेकर ये दिखा दिया कि आज वो ऑफिशियली सोनिया सेना बन चुके हैं, और वो एक कांग्रेस पार्टी की कठपुतली की तरह व्यवहार कर रहे थे। शुरू में आए तो उनका जरा चेहरा मुस्कुराता हुआ, फोटो फ्रेम अच्छा आई, इस वजह से कॉन्फिडेंस दिखाया गया, लेकिन जब वहाँ पर नारे लगा रहे थे या शपथ दिला रहे थे तो उसमें अधिकांश विधायक बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और न तो वो कोई शपथ ले रहा था, कोई अब शिवसेना के विधायकों को सोनिया की शपथ दिला रहे थे, वो सोनिया की शपथ क्यों लें। वो आज तक उन्होंने जितना राजनीतिक इतिहास होगा अपना, उन्होंने हमेशा कांग्रेस के खिलाफ गाली देकर काम किया, आज वो हिंदुत्व की पार्टी वो सोनिया की गुलाम हो गई, तो आज समझ सकते हैं कि किस तरीके से उनको उनका स्वाभिमान को ठेस पहुंचा होगा। उद्धव ठाकरे अपनी जो कुर्सी की लालच है उसके लिए किस तरीके उसने ये काम किया है, आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का ये ड्रामा किस तरीके, सोनिया का ये महा ड्रामा था महाराष्ट्र के 5-स्टार होटल में हयात होटल में, वहाँ पर करोड़ों रुपए यहाँ पर बहाए गए, और ये ड्रामा भी फेल हो गया। 162 का दावा किया गया था लेकिन बिल्कुल गिनती नहीं गई, पता नहीं कौन था उसमें, कोई विधायक का ना तो नाम बताया गया, ना तो उनकी गिनती कराई गई, ना ढंग से परेड, खाली वहाँ पर शपथ दिलाई गई सोनिया की कि आप सोनिया की शपथ लेकर कसम खाएंगे कि हम सोनिया को धोखा नहीं देंगे और बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। अब ये विधायक हैं कि वो सोनिया के खिलाफ हैं या वो देश के साथ हैं, वो जानते हैं कि देश के साथ किसने अच्छा काम किया है, और शिवसेना के विधायक कभी सोनिया की शपथ नहीं लेंगे।
और इस तरीके से उद्धव ठाकरे ने अपनी नाक कटा दी आज हयात होटल में। ये बहुत बड़ा झटका है पूरे देश के लिए कि किस तरीके से जनादेश का अपमान किया गया, किस तरीके से चौथे नंबर की पार्टी वहां सोनिया गांधी की शपथ दिलाती है विधायकों से और फिर उनको पिंजरे में कैद करके उनको होटलों में रखा जाता है। अगर आपको इतना विश्वास है अपने विधायकों पर, अपने विधायकों पर भरोसा है, तो क्यों आप इन विधायकों को होटलों में कैद कर रखें? आपको पता है कि आपके विधायक बिल्कुल खुश नहीं हैं। शिवसेना के विधायकों ने तो 15 से 20 विधायकों ने कल रात तक उद्धव ठाकरे को मनाने की कोशिश की। आप मान जाइए, आप ये कांग्रेस के साथ जाकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे 5 घंटे तक उनको मनाते रहे थे। लेकिन क्या इस तरीके की सोनिया की शपथ लेकर शिवसेना के विधायक मानेंगे? ये बड़ी बात है। और वैसे ही वहाँ पर विधायकों का आंकड़ा पूरा नहीं पहुंचा था और अब देखते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी इस तरीके का प्रपंच और ड्रामा षड्यंत्र रच के क्या वो सफल होगी। ऐसा तो मुमकिन नहीं लगता है, क्योंकि विधायक का भी अपना स्वाभिमान होता है। जिस तरीके की धमकी एनसीपी के नेता या शिवसेना के गुंडे इस तरीके की धमकी दे रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वो अभी भी बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं, कांप रहे हैं कि उनके विधायक उनके ही खिलाफ वोट देंगे और वो बीजेपी सरकार का समर्थन करेंगे। इस वजह से यहाँ पर साफ सा इनके चेहरों पर डर नजर आ रहा था और इस वजह से वो धमकी दे रहे थे। आपको विश्वास नहीं है और उन पर उनको सोनिया की शपथ दिला रहे हैं। सोनिया की शपथ लेकर तो कोई भी उस शपथ को तोड़ देगा, क्योंकि सोनिया कोई राजमाता नहीं है, न तो सोनिया कोई इतनी महान औरत है कि जिसके हम शपथ लें। देश के महान जो क्रांतिकारी हैं, छत्रपति शिवाजी की शपथ लेते तो बड़ी बात थी, या बाला साहब ठाकरे की शपथ लेते तो बड़ी बात थी, लेकिन उन्होंने शपथ ली सोनिया की शपथ। सोनिया की शपथ लेकर आज बाला साहब ठाकरे और संविधान का अपमान कराया गया। क्या होटल हयात होटल में कोई असेंबली है, या हयात होटल में ही उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के गरीब किसानों का भला करेंगे? ये उद्धव ठाकरे को जवाब देना पड़ेगा। क्या वो उद्धव ठाकरे कितना भी कुछ कर लें, लेकिन वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे और वो कर्नाटक के HD कुमार स्वामी पहले बनेंगे, या तो उनको और जलील होना है HD कुमार स्वामी की तरह, कि जो बाद में कांग्रेस से गठबंधन न करने की कसम खा ली, या अभी भी समय है कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे, उनका घमंड है वो चकनाचूर नहीं हुआ, तब तक शायद उद्धव ठाकरे नहीं मानेंगे और आने वाला समय बताएगा कि उद्धव ठाकरे का क्या होगा। वो जनता जवाब देगी कि कैसे इन्होंने जनता के जनादेश को बेचकर सोनिया गांधी के चरणों में रख दिया। ये बहुत ही बड़ा अपमान है। पूरा देश ने देखा कि किस तरीके से 5-स्टार होटल में कैटवॉक कराया गया जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से, और उनको इस तरीके से ले जाया गया और पूरा फ्लॉप रहा ये ड्रामा। कितना भी करोड़ों बहा दिए, मीडिया को भी खरीद कर बहुत सारा पैसा दिलाया गया कि ऐसा हवा बना दो कि जैसे हम आज ही फ्लोर टेस्ट जीत गए हैं, लेकिन असली शक्ति परीक्षण फ्लोर टेस्ट में होगा। आपके पास आंकड़े हैं तो कभी भी फ्लोर टेस्ट कराइए। आपको पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला है, कल सुनवाई होनी है, और उस सुनवाई से पहले ये ड्रामा करना ये साफ सा दिखाता है कि उस सुप्रीम कोर्ट को इसमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कि जो ये ड्रामा दिखाया गया कि वो ये चाहते हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस विजुअल से देख के डर जाए, कोई फैसला दे दे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। संविधान की तरह काम होगा, न कि सोनिया के तंत्र की तरह, और सोनिया का ये ड्रामा पूरा फेल हो गया है।